welcome to Gyan Jyoti Online Classes. Today I discuss with you the chapter number 1 and the exercise of the chapter number 1 of your English reader of your English textbook. Yes. So हम पढ़े थे first chapter क्या था? What is your first chapter's name? The fir tree. What is the chapter's name? The fir tree. फिर ट्री जो हम चैप्टर पढ़े थे, आप लोग देखो ये वाला चैप्टर. यस. सो फिर ट्री को कैसे ट्रीट किए लोग, उसको लिए, सजाए, डेकोरेशन किए, फिर उसका थिंक क्या था, उसका थॉट क्या था कि वो ऐसे ही रहेगा हर दिन, फिर उसको लेके फेंक दिए, फिर बच्चे आ गए उसके ऊपर कुजल दिए. तो क्या था उसका कुछ टाइम जो हो रहा था, उस टाइम पे उसका लाइफ साइकिल कैसा था, उसके बारे में एक स्टोरी था. तो आज क्या करेंगे, हम उसका कॉम्प्रिहेंशन और एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे और लिखेंगे. तो ए नंबर जो आंसर दिस क्वेश्चन है, A1, A2 आंसर दिस क्वेश्चन है. तो पहले हम A1 करेंगे. आप लोग कॉपी निकालो, इंग्लिश रीडर कॉपी निकालो और क्या करो, A1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन लिख लो. और नीचे में आंसर कब लिखोगे, नीचे में आंसर मैं इधर लिख दूंगी, आप लोग नीचे का आंसर लिखोगे. पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड में बस आंसर लिख रही हूँ. मैं क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में नहीं लिखूंगी, मैं बस आंसर लिखूंगी. और आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन बुक से उतार के लिखना है और आंसर ब्लैक बोर्ड से लिखना है. कैसे मैं बताती हूँ, ये उसी हिसाब से आप लिखना. जैसे देखो A1 का 1 नंबर क्वेश्चन, A1 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, What happened to the trees that were caught in the autumn by the woodcutters? क्वेश्चन है 1 नंबर मैं जो पढ़ी, तो वो क्वेश्चन को पहले आप कॉपी में लिखो, देन यहाँ मैं जो आंसर लिख रही हूँ, ये सब आंसर है, ये सब आंसर है. तो आंसर जो मैं लिख रही हूँ उसको वो क्वेश्चन के नीचे आंसर मेंशन करके लिखो. सो पढ़ दा आंसर, द कॉट ट्रीज वेयर The cart and the horses and the horses drag them out of पहले नंबर का क्वेश्चन जो था, क्या था पहले नंबर का क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द ट्रीज दैट वर कॉट इन द ऑटम बाय द वुड कटर. ऑटम में जो ट्री को कट कर रहे थे, यस, सो वो ट्री का क्या हो रहा था, क्या होता था वो ट्री का, द कॉट ट्रीज वेयर लेड इन कार्ट्स एंड द हॉर्सेस ड्रैग देम आउट ऑफ द वुड. तो वो कॉट ट्रीज को क्या करते थे, जो कार्ट होता था, गाड़ी होता था, वहां पे उसको लोड करते थे और लेके जाते थे कहाँ, ओड के बाहर. ओड मतलब इधर क्या, जंगल. इधर ओड मतलब क्या, जंगल. देन नेक्स्ट नंबर, व्हाट मैग्निफिसेंस डिड द स्पैरो टेल द फिर ट्री अबाउट. मतलब स्पैरो फिर ट्री के बारे में क्या बताया. यस, व्हाट मैग्निफिसेंस डिड द स्पैरो टेल द फिर ट्री को, सॉरी, फिर ट्री को स्पैरो क्या बोल के बताया कि कैसे करके उन लोग आते हैं, लेके जाते हैं, क्या करते हैं, फिर ट्री के कट करके कैसे लेके जाते हैं, क्या करते हैं उनके साथ, उसके बारे में कुछ बताया. तो क्या बताया, हम लिखते हैं, तो 2 नंबर, द स्पैरोस टोल्ड द फिर ट्री they saw planted in the middle of the planted in the
width of the warm room and decorated golden apples. Or give the golden apples. Ginger bread. Honey. Ginger bread. And toys. स्पैरो ने फिग ट्री को क्या बोल के समझाया? स्पैरो ने फिग ट्री को क्या बोला कि कैसे करके वो फिग ट्री को कट करके ले जाते हैं और क्या करते हैं उसके साथ? सो द स्पैरो टोल्ड द फिग ट्री अबाउट द ट्रीज दे सॉ प्लांटेड इन द मिडिल ऑफ द वार्म रूम. तो वो बोला वार्म रूम मतलब जहाँ डेकोरेट करते हैं, एक बड़ा सा हॉल, वहाँ उसको लेके जाके रखते हैं. एंड डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल थिंग्स, और उसको सजाते हैं बहुत सारा सुंदर सुंदर चीज में उसको सजाते हैं. विद गोल्डन एप्पल, क्या क्या लगाते हैं? गोल्डन एप्पल लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं, एंड जिंजर ब्रेड लगाते हैं, टॉयज लगाते हैं, चॉकलेट लगाते हैं उसके ऊपर और उसको डेकोरेट करते हैं. ऐसे बोल के कौन बोला? द स्पैरो टोल्ड द फिग ट्री. थर्ड नंबर, हाउ डिड द फिग ट्री फील व्हेन इट वाज कट. जब फिग ट्री कट हो गया तो वो क्या फील किया? पहले क्वेश्चन लिखो थ्री नंबर का, फिर हुई राइट द आंसर. क्वेश्चन लिख लिए, फिर हम लिखेंगे आंसर. द फिग ट्री फेल्ट इट्स शार्प पेन. उसको कैसे फील हुआ? शार्प पेन मतलब बहुत उसको दिल में उसका बहुत पेन हुआ. He could not think of happiness. He could not think of So, उसको कैसा फील हुआ? फिग ट्री को जब कट कर दिया उसको कैसा फील हुआ? द फिग ट्री फेल्ट शार्प पेन. उसका दिल में बहुत चोट पहुंचा, मतलब उसको बहुत दर्द हुआ, उसको कष्ट हुआ, उसको वो अनहैप्पी हो गया. एंड ही कुड नॉट थिंक ऑफ हैप्पीनेस. वो खुशी के बारे में कुछ भी, खुशी के बारे में वो और सोच भी नहीं पाया. ही कुड नॉट थिंक ऑफ हैप्पीनेस. वो कोई भी खुशी के बारे में और सोच नहीं पाया. Then, four number. What is the four number? Where was the fig tree taken after it was cut? Where was the fig tree taken after it was cut? जब कट हो जाता है, उसको कहाँ लेते हैं? The tree was unloaded in a courtyard and carried into a large drawing room. कहाँ लेके जाते हैं उसको? एक large room में, उसको एक cart में उसको पकड़ते हैं और एक large room में, बड़ा सा room में लेके जाते हैं. Then five number. What happened when the troop of children rushed in? जब बहुत सारे children दौड़ दौड़ के आए तो क्या हुआ? The children danced round. The children danced round the tree and one present after the other was pulled up. Children fell upon it with such violence that all its branches cracked. तो जब सब children चले आए तो क्या हुआ? उन लोग वो tree के ऊपर, tree के side में राउंड 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 खेलने लगे, डांस करने लगे. एंड वन प्रेजेंट आफ्टर द अनदर वाज पुल्ड अप, एक दूसरे को धक्का देने लगे. चिल्ड्रन फेल ऑन इट विद सच वायलेंस दैट ऑल इट्स ब्रांचेस क्रैक्ड. जब एक दूसरे को धक्का दिए, सब कहाँ पे गिरे? वो ट्री के ऊपर गिरे. तो क्या हुआ? ट्री का ब्रांचेस लोग क्रैक होता चला गया, टूटता चला गया. यस, ये हो गया आपका फाइव नंबर. देन वी कम टू द सिक्स नंबर. हाउ डिड द फिग ट्री फील इन द लॉफ्ट. लॉफ्ट मतलब स्टोर रूम. स्टोर रूम में उसको कैसा फील हुआ? द ट्री वॉज लॉस्ट इन थॉट्स, फीलिंग लोनली दैट ही थॉट व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस. व्हाट एम आई टू डू
बहुत लोनली फील कर रहा था, लोनली मतलब अकेला, उसको वहाँ पे उसके लिए कोई भी नहीं थे। तो वो सोचा मुझे क्यों यहाँ पे लाके डाल दिए, मैं इधर क्या करूँगा, मैं इधर किस लिए आया हूँ, ये सब सोचने लगा। देन सेवन नंबर, व्हाट डिड द फिग ट्री टेल अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट ऑन द अर्थ। फिग ट्री हमारा और अर्थ का सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट, उसके हिसाब से क्या है बोल के सोचा, क्या है बोल के सोचा। द फिग ट्री सेड आई ओनली नो द वुड वेयर द सन शाइन एंड वेयर द लिटिल बर्ड सिंग। फिग ट्री बोला मेरे हिसाब से, फिग ट्री बोला मेरे हिसाब से हमारा वुड मतलब मेरा जो जंगल है वो सबसे बहुत सुंदर प्लेस है, जहाँ की वेयर द सनशाइन एंड वेयर द लिटिल बर्ड सिंग, जहाँ की जहाँ पे की सनशाइन होता है, सूर्य का रोशनी आता है और बर्ड्स लोग उधर गाना गा गा के उड़ते हैं, पर इधर तो मैं एक अंधेरा कमरा में बंद हूँ। यस, ये हो गया आपका सेवन नंबर। देन वी कम टू नेक्स्ट ए टू, आंसर दिस क्वेश्चन। यस, देन वी कम टू द ए टू नंबर, यू जस्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 10। ए टू नंबर में किधर था, नाइन का क्वेश्चन है। पहले वन नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कुछ लाइंस दिया है, दो लाइंस दिया है और दो लाइंस को बेस करके तीन तीन को क्वेश्चन दिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु सेड दीज वर्ड्स टू होम, ये जो डिस्क्राइब किया कि विंडो कैसा है, क्या कौन बोला, द स्पैरो सेड दीज वर्ड्स टू द फिग ट्री, कौन बोला किसी को, स्पैरो बोला फिग ट्री को। देन हु इज देम हियर, यहाँ किसको देम बोला गया है, देम आर द ट्रीज एंड दैट आर कट, किसको बोला गया है, जो ट्री को कट करके ले जा रहे थे उनको यहाँ स्पीकर देम बोल के बोले हैं। देन थर्ड नंबर, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब देम, द स्पैरो कैसे डिस्क्राइब किए हैं, कि कैसे दिख रहा था वो फिग ट्री, कैसे किए उसको लेके। सो द स्पैरो सेड दैट द ट्रीज वर प्लांटेड इन द मिडिल ऑफ द वार्म रूम एंड डेकोरेटेड विद लाइट कैंडल्स चॉकलेट्स जिंजर ब्रेड्स एंड टॉयज एंड एटसेट्रा और एटसेट्रा। तो ये मैं पहले भी लिखा चुकी हूँ, ए वन में था। देन टू नंबर क्या है, टू नंबर करें, हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम, इट इज ए वेरी स्टूपिड स्टोरी, कैन नॉट यू, कौन बोला, माउस बोला था ना, सो द रेड्स, रेड्स आर माउस, द रेड्स सेड दीज वर्ड्स टू द फिग ट्री। देन द रेड्स फाउंड द स्टोरी स्टूपिड बिकॉज दे, इसका क्वेश्चन सॉरी मेन मतलब क्वेश्चन, व्हाट डिड दे फाइंड द स्टोरी स्टूपिड, क्यों उनको लगा कि ये स्टोरी स्टूपिड है। सो द रेड्स फाउंड द स्टोरी स्टूपिड बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड द स्टोरी टू इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि सुनाया हुआ स्टोरी जो रिपीट करता हुआ स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगा क्या, नहीं, इसलिए उनको नहीं लगा। देन कम टू द सी नंबर, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डिड दे वांट टू लिसन टू, उन लोग वो माउस और वो रेड्स लोग कैसा वाला स्टोरी उनको सुनने के लिए पसंद था, कैसा स्टोरी सुनने के लिए पसंद था, दे वांटेड टू हियर डिफरेंट स्टोरीज एवरी टाइम, उन लोग क्या स्टोरी हमेशा सुनने के लिए पसंद करते थे, डिफरेंट मतलब अलग अलग स्टोरी उन लोग सुनने के लिए पसंद करते थे, डिफरेंट स्टोरी सुनने के लिए उन लोग पसंद करते थे। तो ये हो गया हमारा सी नंबर, कौन सा नंबर, सी। देन वी कम टू द सी नंबर, कौन सा नंबर, सी नंबर, सी नंबर का ए हम करेंगे। तो सी नंबर का ए क्या है, सॉरी थ्री नंबर का है, सो थ्री का ए, व्हेन डज द स्पीकर से रीच लाइन, कौन सा लाइन, आई शुड हैव रीच एंड आई हैव रीजन टू डू सो नाउ इट पास्ट, मतलब पहले मेरे पास बहुत रीजन था खुश होने के लिए पर अभी वो नहीं है, वो पास्ट हो गया है, मतलब बहुत पहले था अभी कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। तो व्हेन डज द स्पीकर से रीच लाइन, कब ये बोले हैं, हम लिखते हैं
eat and rumple on the branches. The tree said these words after one of the children went towards it and trampled on the branches. मतलब जब एक के बाद एक चिल्ड्रन आने लगे और चाइल्ड आने लगे और क्या किया उसका ब्रांच को ट्रैम्प किए मतलब हिलाए उसको ध्वंस कर दिए. यस ट्रैम्पल में ध्वंस. देन बी नंबर क्या है. व्हाई डू यू थिंक इज द लिसनर रिपेंटिंग. आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लिसनर जो सुनता है वो रिपेंट कर रहा है वो चीज को रिपेंट कर रहा है. तो इसका आंसर है द ट्री वॉज रिपेंटिंग द ट्री वॉज रिपेंटिंग बिकॉज वी डिड नॉट सेलिब्रेट others when they were having fun and they were having fun dancing and in storage so उनको क्या लगा वो फिर ट्री को ऐसा क्यों लगा कि सब खत्म हो गए क्यों लगा बिकॉज द ट्री वॉज रिपेंटिंग मतलब वो खुद को ऐसे क्यों समझ रहा था कि सब खत्म हो गया दुखी क्यों था सो द ट्री वॉज रिपेंटिंग बिकॉज ही डिड नॉट सेलिब्रेट वो ट्री दुखी था क्योंकि वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा था क्या विद अदर्स व्हेन दे आर हैविंग फन जब सब मस्ती कर रहे थे वो कुछ नहीं कर पा रहा था डांसिंग एंड टेलिंग स्टोरी जब मस्ती कर रहे थे सब डांस कर रहे थे स्टोरी सुन रहे थे स्टोरी बोल रहे थे वो कुछ नहीं कर पा उसके लिए उसको बुरा लगा देन थ्री नंबर व्हाट इज सी नंबर व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी तो ये स्टोरी से हम कौन सा लेसन सीखते हैं और ये स्टोरी हमको क्या सिखाया है towards plants and trees. So, what we learn from this story? We learn from this story or the lesson learned from this story is that So, what we learn from this story? We learn from this story or the lesson learned from this story is that we should be sensitive towards plants and trees. मतलब plant और tree को हमको care करना चाहिए उनके लिए हमको कुछ सोचना चाहिए उनको sensitive तरीके से उनको देख रेख करना चाहिए मतलब ऐसे कहीं फेंकना नहीं चाहिए जैसे एक आदमी को एक इंसान को हम ट्रीट करते हैं प्लांट एंड ट्रीज को भी हम ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए यस देन वी कम टू नेक्स्ट नंबर क्या है देखो बी वन बी टू कुछ होगा
क्वेश्चन पढ़ते रहो, जब तक मैं रिलीज कर रही हूँ क्वेश्चन पढ़ते रहो क्या है। और ये सब जो लिखाई है इसका आपको कॉपी में क्वेश्चन भी लिखना है, नॉट ओनली द आंसर। यस, यू जस्ट राइट द क्वेश्चन आंसर। देन वी कम टू द नेक्स्ट नंबर, क्या है A3। ये सब कुछ नहीं, डिस्कशन है। देन B1 में क्या है, नाउन वर्ब एडजेक्टिव वर्ब एडजेक्टिव सॉरी एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन, मतलब क्या, जैसे देखो टॉल ट्री, टॉल ट्री, टॉल आपका हो गया एडजेक्टिव, एंट्री हो गया आपका नाउन हो गया। सो इसको हम बोलते हैं ना, इसको मिला के हम क्या लिखते हैं, टॉल ट्री लिखते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी कुछ एक्सरसाइजेस है हमको करना है, एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन। आप निकालो यहाँ पे कलम AB है कि नहीं, ये वाला तो मैं इधर लिख दे रही हूँ जो मैचिंग है, लिख रही हूँ उसी हिसाब से मैच कर लेना या नंबर दे देना। तो AB क्या होता है, AB रैंक देन स्ट्रॉन्ग स्मेल Wonderful times. Then high speed. Then deep trouble. Then friend possible. Then low pressure. ये हो गया आपका matching the following। और इसको जब आप लिखोगे ये तो ऐसा matching हो गया, but ये बिना ये वाड़ी देखे आप लिखोगे तो happy rain एक word होता है ना, तो happy हो गया आपका, adjective rain हो गया, noun strong हो गया, adjective smell हो गया, noun wonderful हो गया, adjective times हो गया noun। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एडजेक्टिव और नाउन को एक ही जगह में लिख रहे हैं दोनों वर्ड को, और कोलोकेशन बना रहे हैं, एक वर्ड बना रहे हैं दोनों को। तो ये हो गया आपका B2। देन B3 में क्या है, वर्ब इन पेयर्स नेक्स्ट सेंटेंसेस विद एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन यू हैव फॉर्म इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। प्रीवियस एक्सरसाइज में जो था एडजेक्टिव नाउन उसको फॉलो करके आपको कोलोकेशन वाला जो नाउन एडजेक्टिव नाउन बनाना है, और उसमें क्या करना है सेंटेंस भी बनाना है। तो क्या क्या होगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप सेंटेंस खुद बनाना। यस, ब्लू स्काई वहां पे था, ब्लू स्काई, तो आपको क्या करना है ब्लू स्काई में कुछ सेंटेंस बनाना है, जैसे कुछ भी ब्लू स्काई में, जैसे मैं आप बताती हूँ लोगों को, स्ट्रॉन्ग कॉफी, आई लव स्ट्रॉन्ग कॉफी, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत कड़वा, हाँ उसका टेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रॉन्ग कॉफी, आई लव टू ड्रिंक स्ट्रॉन्ग कॉफी, आप सेंटेंस बना सकते हो। देन एक्सप्रेस स्मेल, क्या एक्सप्रेस स्मेल, एक्सप्रेस स्मेल जो है उसमें भी आप सेंटेंस बनाओगे। देन चिली नाइट, चिली नाइट मतलब चिल मतलब क्या, आप बोलते हो पानी चिल है क्या, वाटर चिल है क्या, ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स चिल है क्या, बोलते हो तो चिली नाइट मतलब चिल ठंडा रात, ठीक है। ये चारों में आप क्या करना है, आपको ये चारों को लिख के आपको सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है सेंटेंस बनाना है। तो ये हो गया आपका B3। देन C1 क्या दिया है, देखो C1 में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ने और समझने के लिए दिया है, और हमको करने के लिए क्या दिया है C2 दिया है और C3 दिया है जो कि हम करेंगे। यस, सो लेट्स डू C2 एंड C3। फर्स्ट वी डू C2। C2 में क्या है, बहुत सारा सेंटेंस दिया है, और क्या होगा है बहुत सारा सेंटेंस देके आपको कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है बताना है। मैं बताई थी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ऑलवेज कैरी ए
observed, but interrogative verb always interrogative verb don't need an object. जैसे देखो, I got an important mail. इधर mail क्या है? Object है. तो ये होगा transitive. ये क्या होगा? Transitive. वैसे नहीं लिख दो. C2. ये वाला. ये book में ही कर लो आप C2. ठीक है? Then did you open the packet? पैकेट भी एक ऑब्जेक्ट है, तो आप इधर लिखना क्या? टी मतलब ट्रांजिटिव. यस. देन द हंटर्स वेयर कॉट बाय द इंस्पेक्टर. ठीक है, तो इधर क्या होगा? इंट्रांजिटिव. ये क्या होगा? इंट्रांजिटिव. देन द टीचर नैरेटेड ए स्टोरी. ये क्या होगा? स्टोरी एक ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव. वी लाफ लाउडली एट द जोक. एट द जोक यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये होगा इंट्रांजिटिव. देन सिक्स नंबर क्या होगा? इंट्रांजिटिव, बिकॉज ही स्लेप्ट फॉर 10 आवर एट ए स्ट्रेच. ही स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स एट ए स्ट्रेच. ये भी होगा एट ए स्ट्रेच. स्ट्रेच करके सोए थे, वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो भी होगा इंट्रांजिटिव. देन सेवन नंबर, द अर्थक्वेक कॉज टेरिबल डैमेज. आपके कॉज टेरिबल डैमेज. क्या हुआ? डैमेज हुआ, तो वो होगा ट्रांजिटिव. क्या होगा? ट्रांजिटिव. देन एट नंबर, द आर्मी मार्च डाउन द स्ट्रीट. तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा इंट्रांजिटिव. क्या होगा? इंट्रांजिटिव. यस, ये हो गया आपका C2. देन वी कम टू द C3. देन वी कम टू द C3. C3 में क्या है? देखो, कुछ सेंटेंस दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, और ब्रैकेट में ऑप्शन में क्या दिया है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दिया है. क्या क्या दिया है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. मतलब ट्रांजिटिव जहाँ पे दिया है आप क्या लगाओगे, वहाँ पे एक क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट लगाओगे. और इंट्रांजिटिव की जगह में आप एडवर्ब लगा सकते हो, आप एडजेक्टिव लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, पर वो ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, सी ड्रोव द कार. वो कार चला रहा है, कार हो गया यहाँ पे, द कार हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ट्रांजिटिव. पर सी ड्रोव एट ए हाई स्पीड, वो बहुत स्पीड में चला रहा है, वो बहुत स्पीड में, वो ऑब्जेक्ट नहीं है. हाई स्पीड ये क्या है? एडजेक्टिव है, हाई. तो यहाँ हाई लो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए ये हो गया इंट्रांजिटिव. ऐसे ही द सेफ कुक्ड डेक्स. सेफ क्या बना रहे हैं, क्या पका रहे हैं? तो क्या क्या का आंसर? इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मीट लिख सकते हैं, कॉरी लिख सकते हैं, राइस, डाल, जो भी लिख सकते हैं. तो वो क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ हो गया ट्रांजिटिव. तो ये ट्रांजिटिव में लिखना, ये इंट्रांजिटिव में लिखना. ठीक है, जिससे ट्रांजिटिव में इधर मीट हो गया, सेफ कुक मीट, एंड द सेफ कुक डिलीशियसली. द सेफ कुक डिलीशियसली, डिलीशियसली वो खाना पका रहे हैं. तो इधर क्या होगा? डिलीशियसली क्या होगा? आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ये इंट्रांजिटिव वाला सेंटेंस होगा. देन सेकंड नंबर क्या है? द गर्ल इन द ऑडिटोरियम सैंग डेक्स. सेकंड नंबर का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. थर्ड नंबर का ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव. सो सेकंड नंबर का है क्या? द गर्ल इन द ऑडिटोरियम सैंग ए सॉन्ग और एन सॉन्ग और एन ओल्ड सॉन्ग. तो ये एन ओल्ड सॉन्ग क्या हुआ? ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया ट्रांजिटिव. पर द गर्ल इन द ऑडिटोरियम सैंग विथ एट ए लो वॉइस, एट ए जो एग्जांपल में था ना, एट ए हाई स्पीड, हाई स्पीड. तो इधर है एट ए लो वॉइस, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव. देन नेक्स्ट नंबर, द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड, द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड द थ्योरी. द थ्योरी ये हो गया आपका एडजेक्टिव. द थ्योरी क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव. तो सॉरी, द थ्योरी आपका हो गया ऑब्जेक्ट. द थ्योरी आपका हो गया ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया ट्रांजिटिव. बट द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड एक्सटेंसिवली, ये हो गया आपका एडजेक्टिव. यहाँ कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए हो गया क्या? इंट्रांजिटिव सेंटेंस. समझ में आ गया?
जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है, एक चीज रहता है या एक पर्सन रहता है, वहां पे लगता है आपका ट्रांजिटिव, और उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। और जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है वहां क्या लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रांजिटिव। तो ये हो गया आपका चैप्टर 1 का, एक्सरसाइज में समझा दी, लिखा दी, ठीक है। अब क्या करो, वीडियो को देखो, वॉच कर करके क्वेश्चन आंसर करो, और जो भी क्वेश्चन आंसर में जो पहले 7 लिखाई, द नेक्स्ट नॉट हो तो 7 और 9, वो जो है 16 क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी में करो, क्वेश्चन लिखो, आंसर, क्वेश्चन आंसर। यस, मैं बस आंसर लिखी हूँ, आप लोग बुक से क्वेश्चन देखना, मेरे से आंसर देखना, लिखना वीडियो से, पर बाकी सब जो है बाकी सब बुक में हो जाएगा, तो सबको बुक में करो। ये हो गया आपका चैप्टर 1, एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।